अक्सर कहानियों में या किसी फिल्म में हम सब ने भूत प्रेतों की बातें देखी या सुनी होंगी, जिसमें दिखाया जाता है कि किसी इंसान के अंदर या किसी घर में आत्मा आ जाती है। लेकिन अगर हम आपको बताएं कि यह सब काल्पनिक नहीं बल्कि सच है तो जी हाँ, आज हम इस वीडियो में आपको दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक के बारे में बताएंगे, जो कि कोई खाली खंडर या घर नहीं बल्कि एक मंदिर है। हाँ, आप सबने सही सुना, आज हम बात कर रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी के बारे में, जहां हमें रखना पड़ता है काफी सारी बातों का ध्यान, वरना पड़ सकता है बहुत भारी। मेहंदीपुर बालाजी से जुड़ी यह रहस्यमय बातों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राजस्थान में अक्सर भूत प्रेत की कहानियां व डरावनी जगहों के बारे में सुनने को मिलता है, लेकिन इन सब से मुक्त होने का इलाज भी वही है। राजस्थान के दौसा जिले के पास दो पहाड़ियों के बीच मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर बसा हुआ है। यहाँ आपको कई विचित्र नजारे देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें पहली बार देखकर लोग हैरत में पड़ जाते हैं और डर भी जाते हैं। विज्ञान भूत प्रेतों को नहीं मानता है, लेकिन जो इस मंदिर के दर्शन एक बार कर ले उसके विचार पूरी तरह से बदल जाएंगे। यहाँ लोगों के अंदर भूत प्रेत को भगाया जाता है और किसी पे हुए काले जादू को उतारा जाता है या उन पर पड़ी हुई बुरी दृष्टि या हाय हटाई जाती है। इस मंदिर में प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा यानी कि कोतवाल कप्तान की मूर्ति है। इस मंदिर की काफी मान्यता है कि जिस वजह से लोग यहाँ दूर दूर से अपनी परेशानी लेकर आते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। लेकिन बताया जाता है कि यहाँ आए हुए मरीज को ठीक करने का तरीका बहुत ही चौंका देने वाला है। जैसा कि यहाँ प्रेत आत्मा आए हुए लोगों को गदे या घड़ी से मार कर उनके ऊपर से भूत भगाया जाता है। बालाजी की पवित्र भभूत उनके माथे पर लगाई जाती है और मेहंदीपुर बालाजी से निकलता हुआ पानी उन पर छिड़का जाता है, जिसे इन सभी को ऊपरी चक्रों से निजात मिल जाती है। पर सिर्फ यही नहीं दोस्तों, ऐसे पवित्र व चमत्कारी मंदिर में जाने के कई नियम है जो हर किसी को वहाँ जाने से पहले पता होने चाहिए, वरना आप भी आ सकते हैं बुरी आत्मा के चपेट में। जैसे कि रात को लगता है बालाजी महाराज का दरबार, भूत प्रेत ऊपरी बाधाओं के निवारण के लिए आने वाले लोगों के लिए बालाजी महाराज का दरबार लगता है। इस मंदिर के हर रात 2 बजे प्रेत राज सरकार के दरबार में पेशी यानी कि कीर्तन होता है, जिसमें लोगों पर आए ऊपरी सायों को दूर किया जाता है। मंदिर से कोई भी प्रसाद यानी पानी घर न ले जाए। आमतौर पर किसी मंदिर के जाने पर हम सब के लिए प्रसाद लेकर आते हैं, पर मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के लिए किसी भी तरह का प्रसाद ना खाएं, ना अपने साथ ले आएं और ना ही किसी को खाने दें, क्योंकि यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि अगर आप प्रसाद को घर ले जा सकते हैं तो कुछ आत्माएं भी आपके साथ जा सकती हैं। यहाँ तक कि कोई भी खुशबूदार चीजें आप घर से नहीं ले जा सकते। दर्शन करने के दौरान इन सभी नियमों का पालन जरूर करें। घर जाते हुए पीछे मुड़कर ना देखें। यहाँ आरती करते समय पीछे मुड़कर ना देखें। ऐसा माना जाता है कि पीछे मुड़ने से आत्मा आपके पीछे पीछे चल देती है। अगर आप यहाँ के पुजारियों से पूछेंगे तो वो भी यही बात आपको बताएंगे। और यहाँ के लोग बताते हैं कि बालाजी महाराज की छाती के बाएं हिस्से में एक छोटा सा छेद है, जहाँ से लगातार जल बहता रहता है और भक्तों व मरीजों के ऊपर इस जल का छिड़काव किया जाता है ताकि वे रोग दोष से ठीक हो जाएं। दर्शन करने के दौरान इन सब नियमों का पालन जरूर करें और मेहंदीपुर बालाजी हम सबको सभी कष्टों से दूर रखें। इसी के साथ कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय बजरंगबली जरूर लिखें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।